ओ भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो के अंदर अपन अब बात करेंगे जो आज के दिन यहाँ पर आईपीएल का मैच होगा जो खेला जाएगा एसआरएच और जीटी के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो जो है लास्ट तक वॉच करना है, आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ये होने वाला है आईपीएल का मैच नंबर 66 और मैच जो है स्टार्ट होगा यहाँ पर शाम को 7:30 बजे। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है भाइयों, कि अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप बहुत आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन होना बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट यहीं पर आएगी, क्योंकि आईपीएल जैसे मुकाबलों में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो मुकाबला जो है वो खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के अंदर। विकेट जो है बैटिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, बॉलर्स को थोड़ी कम हेल्प है, स्पेशली जो टीम चेस करती है ना उस टाइम पे यहाँ पर विकेट बहुत अच्छा बिहेव करता है। एवरेज स्कोर 190 से 220 बनता है। 5 मैचेस इस सीजन हुए, 3 जीते बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 2 मैचेस हुए हैं। अब देखो, जो 5 मुकाबले यहाँ पर हुए ना उसमें अगर आप देखोगे, फर्स्ट इनिंग में 18 विकेट फास्ट को, स्पिनर्स को 3 विकेट है, सेकंड इनिंग में फास्ट को 15 विकेट, स्पिनर्स को 9 विकेट है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फास्ट बॉलर्स को ज्यादा विकेट मिलते हैं एज कम्पेयर टू स्पिनर्स, ये चीज आप ध्यान में रख के चलेगा। यहाँ पर देखो, दोनों टीमें आपस में अब तक खेली है टोटल 4 मुकाबले, उसमें से अगर आप देखोगे एसआरएच जीती है 1 और जीटी जीती है 3। तो हेड टू हेड में जीटी का पलड़ा भारी है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि इस सीजन एसआरएच बहुत तगड़ी फॉर्म में यहाँ पर चल रही है, ये चीज आप ध्यान में रख के चलेगा। अब देखो, पहले बात करेंगे एसआरएच की टीम की। तो एसआरएच की जो टीम है ना, इनकी तरफ से ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, फिर आएंगे यहाँ से नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन, शहबाज अहमद, अब्दुल शमद, तनवीर सिंह, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, जयदेव उनादकट और विजय कुमार व्यासकंद। तो ये इनकी टीम का यहाँ पर लास्ट मैच के अंदर प्लेइंग 11 था विद बैटिंग ऑर्डर। अब देखो, यहाँ पर इनके जो मेन मेन बॉलर है वो कौन है, तो देखो यहाँ से पैट कमिंस इनके मेन बॉलर है, भुवनेश्वर कुमार मेन बॉलर है, टी नटराजन इनके मेन बॉलर है, और यहाँ से विजयकांत व्यासकंद भी मेन बॉलर है। इसके अलावा जो बाकी 4 ओवर बचते हैं वो आपको उनादकट और शहबाज अहमद मिलकर डालते हुए नजर आ जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर इन सभी प्लेयर्स के इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ में स्टैट्स भी देखेंगे। इनकी टीम जो लास्ट के 6 मैच खेली है, 3 जीती है, 3 हारी है, और अगर आज का मैच यहाँ पर एसआरएच जीतेगी ना तो इनकी टीम लगभग क्वालिफाई कर जाएगी। तो आज का मैच इनके लिए मस्ट विन होने वाला है। ओपन करेंगे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। ट्रेविस हेड के नाम, जीटी के खिलाफ 1 मैच में 19 रन है, वेन्यू पर 5 मैच में 271 रन है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। फॉर्म की बात करूं, 89-1, 13-58, 48-89 नॉट आउट, लास्ट के 3ों मैच इनके बहुत ही शानदार यहां पर गए हैं। अभिषेक शर्मा हेड टू हेड में 4 मैच में 141-35 का एवरेज, 0 विकेट है, वेन्यू पर 13 मैच में 258, 2 विकेट है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। फॉर्म इनका भी तगड़ा है, 46-31, 15-12, 11 और फिर 75 नॉट आउट है। निश्चित नीतीश कुमार रेड्डी हेड टू हेड खेला नहीं है, वेन्यू पर 5 मैच में 103, 0 विकेट है। फॉर्म की बात करें, 37-2 विकेट, 13-15, 0 विकेट, 76-0 विकेट, 20-0 विकेट, 9 बैटिंग है। तो बॉलिंग मिलना इनको कंफर्म नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जब एसआरएच की टीम पहले बैटिंग करेगी ना तब ये बंदा बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि फिर ये पारी को आके संभालता है। हेनरिक क्लासन हेड टू हेड में 2 मैच में 88, वेन्यू पर 11 मैच में 393, फॉर्म 15-7, 20-42, 2 और 9 बैटिंग है। ये भी एक अच्छा प्लेयर है अगर जरूरत पड़ती है तो इसकी टीम को। शहबाज अहमद है हेड टू हेड में 3 मैच में 24, 3 विकेट है, वेन्यू पर 6 मैच में 58, 3 विकेट, उतना खास रिकॉर्ड है नहीं। लास्ट के 6 मैच में विकेट कोई नहीं है, बल्ले से 59-40, 7 और 10 रन है, तो कोई खास रिकॉर्ड इसका है नहीं। अब्दुल शमद है हेड टू हेड में 2 मैच में 33, वेन्यू पर 10 मैच में 109। फॉर्म की बात करें, 13-10-19, 9 बैटिंग, 3 नो बैटिंग है। सनवीर सिंह आईपीएल के 3 मैच में 11 रन, वेन्यू पर 1 मैच में डिड नॉट बैट, 8 और 9 बैटिंग, ये इसका फॉर्म है। फिर आएंगे ऐसे पैट कमिंस हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पर 9 मैच में 39, 9 विकेट है। पैट कमिंस इंपॉर्टेंट रहेंगे स्पेशली एसआरएच की पहली बॉलिंग पे। लास्ट के जो 6 मैचेस हैं वहां पर इसके नाम अगर आप देखोगे, 5 विकेट है, बल्ले से 35 नॉट आउट की एक इनिंग भी है। तो यहाँ से अभी के लिए जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो पैट कमिंस है, जिसको मैं टीम में जरूर रखूंगा। भुवनेश्वर कुमार है, अभी इसका फॉर्म वापस आ चुका है, और हेड टू हेड में देखो 4 मैच में 27, 7 विकेट है इनके जीटी के खिलाफ, वेन्यू पर 50 मैच में 49 विकेट है, और लास्ट के 6 मैच में अगर आप देखोगे टोटल 8 विकेट है, तो लास्ट के 6 मैच बहुत अच्छे गए हैं। नटराजन हेड टू हेड में 3 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पर 11 मैच में 12 विकेट, लास्ट के 2 मैच में विकेट ऐसे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लास्ट के 6 मैच में 9 विकेट है,
और अगर SRH पहले बॉलिंग कर रही है तब आप इस बंदे को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि डेथ के अंदर बॉलिंग करवाता है। उनादकट हेड टू हेड में एक मैच में 0 विकेट, वेन्यू पर 13 मैच में 19 विकेट है और इसके नाम अगर आप देखोगे तो लास्ट के 6 मैचेस में 5 विकेट है। विजय कांत, व्यासकंद, इनको वही प्लेयर लेना जो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो क्योंकि ये देखो नया प्लेयर है, वैसे स्पिनर अच्छा है, विकेट लेस गया था पहले मैच में लेकिन 34 मैच में 42 विकेट है यहाँ पर, जो श्रीलंका प्रीमियर लीग वगैरह खेलता है। अभी के लिए देखो मैं यहाँ से भुवनेश्वर कुमार और नटराजन को बिल्कुल रखूंगा, स्पेशली कब, जब यहाँ पर इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी। अगर बाद में बॉलिंग करती है इनकी टीम तो हो सकता है भुवनेश्वर की जगह में विजय कांत व्यासकंद के साथ भी जा सकता हूँ, तो टॉस पर मुकाबला डिपेंड करेगा। ये इनके बेंच के प्लेयर्स हैं, ये कुछ और बेंच के प्लेयर्स हैं। लास्ट मैच में इनकी तरफ से स्टार्टिंग ओवर जो डाले थे वो डाले थे भूवी ने, पैट कमिंस ने, शहबाज अहमद ने, डेथ में आए थे नटराजन, पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार। अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम यानी कि जीटी की टीम की। देखो जीटी की टीम बाहर हो चुकी है, इनके लिए बस ये है कि प्राइड के लिए मुकाबला खेलेंगे। ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल और साई सुदर्शन, फिर आएंगे डेविड मिलर, शाहरुख खान, मैथ्यू वेड, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहित शर्मा, नूर अहमद, उमेश यादव, संदीप वॉरियर और कार्तिक त्यागी। तो ये इनकी टीम की लास्ट मैच के अंदर प्लेइंग 11 थी विद बैटिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर इन सभी प्लेयर्स के इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ में स्टैट्स भी देखेंगे। लास्ट के 6 मैच इनकी टीम सिर्फ 2 मुकाबले जीती है। ओपन करेंगे गिल और सुदर्शन। गिल की बात करें तो हेड टू हेड में 13 मैच में 398 है, वेन्यू पर रिकॉर्ड बहुत खराब है, इस वेन्यू पर 2 मैच में मात्र 3 रन इस बंदे के नाम है। अब देखो इसका फॉर्म अगर आप देखो तो कंसर्न था 8-35-6-16-2, लेकिन लास्ट के मैच में इसने 104 की बहुत अच्छी नॉक खेली थी। शाहिद सुदर्शन हेड टू हेड में 3 मैच में 103 है, फॉर्म इसका लगातार अच्छा रहा है, 12-31-65-84-6-103 इंपॉर्टेंट प्लेयर है। डेविड मिलर है हेड टू हेड में 15 मैच में 273 है, वेन्यू पर 7 मैच में 184 है, फॉर्म इसका भी बढ़िया है, 2-4-55-26-30-16 है। शाहरुख खान हेड टू हेड में 4 मैच में 71, वेन्यू पर 1 मैच में 4 रन है, फॉर्म की बात करूँ 0-8-0 विकेट, फिर 8-0 विकेट, फिर 58, फिर 37-2 है। देखो ये चारों प्लेयर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर जीटी पहले बॉलिंग कर मतलब बैटिंग करती है, उस हिसाब से मैं अभी टीम बना रहा हूँ जीटी की पहली बैटिंग पे, ये चीज आप ध्यान में रखकर चलेगा। फिर आएंगे ऐसे मैथ्यू वेड हेड टू हेड में 1 मैच में 19, वेन्यू पर 1 मैच में 1 रन, 4 ओवर ने बैटिंग इसका फॉर्म है। तेवतिया है हेड टू हेड में 9 मैच में 101, 2 विकेट है, फॉर्म की बात करें 10-36-4, 9 बैटिंग, 35 नो बैटिंग है, ग्रैंड लीग वगैरह में रख सकते हो। राशिद खान का हेड टू हेड में रिकॉर्ड कुछ खास है नहीं, 4 मैच 2 विकेट, वेन्यू पर 21 मैच में 28 विकेट है, लास्ट के जो 6 मैचेस है वहां पर इसके नाम 4 विकेट है और बल्ले से भी यहाँ पर 31 है, ये भी ज्यादातर मैच में ना विकेट लेस जा रहा था, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो राशिद ज्यादा इंपॉर्टेंट कब रहेगा, जब इनकी टीम पहले बॉलिंग करे। मोहित शर्मा का भी सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब टीम पहले बॉलिंग करती है क्योंकि डेथ में आता है। हेड टू हेड में 14 मैच में 21 विकेट, वेन्यू पर 6 मैच में 8 विकेट, लास्ट के 6 मैच में 5 विकेट है। तो यहाँ से देखो 2 बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, राशिद और मोहित शर्मा। मोहित शर्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर टीम पहले बॉलिंग करती है उस कंडीशन में। नूर अहमद हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट, लास्ट के 6 मैच में यहाँ पर 5 विकेट है, फॉर्म थोड़ा कंसर्न है इसका। उमेश यादव हेड टू हेड में 19 मैच में 14 विकेट, वेन्यू पर 7 मैच में 7 विकेट, लास्ट के 6 मैच में यहाँ पर 6 विकेट है। संदीप वॉरियर हेड टू हेड खेला नहीं, लास्ट के जो 5 मैच खेले वहां पर 6 विकेट है। कार्तिक त्यागी हेड टू हेड में 3 मैच में 2 विकेट, वेन्यू पर 2 मैच में 1 विकेट, लास्ट मैच में ये विकेट लेस गया था। तो यहाँ से बॉलर वैसा खास कोई बॉलर है नहीं जिसको आप टीम में रखना चाहोगे। अभी ये इनके बेंच के प्लेयर्स हैं, ये कुछ और बेंच के प्लेयर्स हैं। लास्ट मैच में स्टार्टिंग ओवर डाले उमेश यादव, संदीप वॉरियर, डेथ में राशिद और मोहित शर्मा यहाँ पर डेथ के अंदर आए थे। एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, अब चलेंगे डेमो टीम की तरफ। उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। फिलहाल जो मेरी टीम है वो उस हिसाब की टीम है जब SRH पहले बॉलिंग करेगी। तो मैंने यहाँ पर अभी के लिए रखा है हेनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड, शाय सुदर्शन, अभिषेक शर्मा, सुमन गिल, डेविड मिलर, शाहरुख खान, राशिद खान, पैट कमिंस, टी नटराजन और भूवी को मैंने यहाँ पर पिक किया हुआ है। कैप्टन ट्रेविस हेड, वॉइस कैप्टन गिल है। बाकी फाइनल टीम और फाइनल अपडेट जो है वो मिलेंगे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।